माजी की बात है, वीरपुर में सपना और माया नाम की दो बहनें रहती थीं। सपना का रंग स्याह था जबकि माया साफ रंग की थी। सपना जब बाग में चहलकदमी करने जाती तो माया अपनी दोस्तों के साथ सपना का मजाक उड़ाती। बेचारी सपना काली कलूटी बैंगन रूठी। इसे तो कोई लड़का पसंद ही नहीं करेगा, मालूम नहीं इसकी शादी कैसे होगी। माया की बातें सुनकर सपना को बहुत तकलीफ होती है। घर जाकर सपना रोती है और अपने वालिद से कहती है, बाबा माया अपने दोस्तों के साथ मिलकर हमेशा मेरा मजाक उड़ाती रहती है और वो कहती है कि मेरी शादी कभी नहीं हो पाएगी। रो मत मेरी बच्ची, इंसान की असली खूबसूरती उसके रंग मौफिकत में नहीं होती, उसकी सीरत और रवैये में होती है। एक ना एक दिन तुम मेरी बात जरूर समझ जाओगी। माया दिन भर जंगल में नहर के पास बैठकर अपने बाल संवारती रहती और अपने साए को नहर में देखकर कमर अदाएं करती। इस पूरे इलाके में मुझसे खूबसूरत भला कौन होगी? जरा देखो तो मेरा रंग कितना साफ है। जरूर मेरी शादी सरदार के फर्जंद के साथ होगी और सपना और बाकी लड़कियां इन्हीं झोपड़ियों में सड़ती रहेंगी। चंद अरसे बाद सपना और माया के वालिद का इंतकाल हो जाता है। सुनो माया, अब हमारे वालिद तो रहे नहीं, हमें ही घर के अखराजात पूरे करने होंगे। चलो जंगल चलकर कुछ लकड़ियाँ काट लाते हैं, फिर उन्हें बाजार में फरोख्त कर देंगे। इस तरह से खाने भर के पैसों का इंतजाम तो हो ही जाएगा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने जाऊंगी? तुम्हारे नजरिए से मैं भी तुम्हारी तरह स्याह हो जाऊं? मैं इन सब कामों के लिए नहीं बनी हूं। भागो यहां से, मेरा दिमाग मत खराब करो। सपना बेचारी जंगल में अकेले ही लकड़ियाँ काटने जाती है। उन्हीं लम्हात देहात के सरदार का फर्जंद धनवीर जंगल में शिकार करने आता है। धनवीर एक हिरण का शिकार करने के लिए हिरण के पीछे दौड़ता है, तभी उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है। धनवीर गिर पड़ता है और उसके सर पर चोट आती है जिसे वो गश खाकर बेहोश हो जाता है। सपना जब लकड़ियाँ काट कर लौट रही होती है तो उसकी नज़र धनवीर पर पड़ती है। अरे ये कौन जख्मी हो गया? सपना धनवीर को ले जाकर एक दरख्त के साए में लिटा देती है। फिर वो नहर से पानी लाकर धनवीर का पैर साफ करती है और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारती है। फिर धनवीर को होश आता है। मैं लकड़ियाँ काट कर घर जा रही थी तो आप रास्ते में जख्मी हालत में पड़े थे, आप कौन हैं? आपने मेरी जान बचाई, क्या आप हमसे निकाह करेंगी? सपना की सरदार के फर्जंद से शादी हो जाती है और वो सरदार के घर की बहू बनकर घर पहुंचती है। सपना के साथ सपना को देखकर खुश नहीं होती। अरे बेटा धनवीर, ये तू कैसी लड़की से शादी करके आ गया? ऐसा स्याह रंग हमारे खानदान में किसी का भी नहीं है। माँ मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। अरे मोहब्बत ही करनी थी तो किसी हूर से कर लेता। ऐसी स्याह लड़की से शादी करके तूने तो खानदान पर दाग लगा दिया। जब बहू स्याह है तो औलादे भी स्याह पैदा होंगी। सपना अपनी सास के तंज सुनकर बहुत तकलीफ में होती है। सपना बेचारी को पता नहीं था कि उसे यहाँ भी अश्क बहाने पड़ेंगे। सपना घर के सारे काम अंजाम देती है, घर के कपड़े धोती है, खाना बनाती है, बर्तन धोती है, फिर भी सपना की सास उसे तंज कसती है। एक दिन शब में सपना की सास के पैरों में बहुत तेज दर्द होता है। सरदार और सरदार का फर्जंद किसी काम से बाहर गए होते हैं। घर पर सिर्फ सपना होती है। अरे मर गई रे। सपना अपनी सास के कमरे में जाती है। क्या हुआ माँ? मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा है। सपना घर के बाहर जाकर देखती है लेकिन इर्द गिर्द कोई सवारी नहीं मिलती जिसे वो अपनी सास को दवा खाने ले जा सके। तभी सपना अपनी सास से जाकर कहती है, इतनी रात में सवारी तो नहीं मिल रही है माँ, तुम मेरे पुश्त पर बैठ जाओ, मैं अपनी पुश्त पर बिठाकर आपको दवा खाने ले चलती हूँ। अपनी सास को अपनी पुश्त पर लाद कर सपना उन्हें दवा खाने पहुँचा देती है। आपको गठिया हो गया है, मैं आपको तेल दे रहा हूँ, 40 दिनों तक लगातार इन पैरों पर मालिश करिएगा। सपना 40 दिन तक अपनी सास की खिदमत करती है, सास का पैर का दर्द ठीक हो जाता है। तभी एक दिन सपना की सास सपना से कहती है, बेटी तू गोरी भले ही ना हो लेकिन तू बहुत हुनरमंद है, मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ, मैंने तुझे बहुत जलील और रुसवा किया, लेकिन अब मैं समझ गई कि असल खूबसूरती इंसान के रंग और मौफिकत में नहीं होती, उसकी सीरत और रवैये में होती है। एक बहुत ही खूबसूरत देही इलाका था रामगढ़। रामगढ़ तक पहुंचने के लिए
मुसाफिरों को नहर से गुजरना पड़ता था। इस नहर में दो कश्तियाँ थीं, जो मुसाफिरों को इस साहिल से दूसरे साहिल तक छोड़ा करती थीं। इस खूबसूरत देही इलाके में एक हरिया नाम का काश्तकार रहता था। हरिया की बीवी हमल से थी, लेकिन फिर भी हरिया के लिए जरात तक खाना लाया करती थी। कितनी बार मैंने कहा है, मेरी हमनवा इतना मत चला करो, लेकिन तुम हो कि मेरी बात सुनने के लिए राजी नहीं हो। सुन ली आपकी बात, लेकिन मैं जरा चल लूंगी तो कद से कम ना हो जाऊंगी और आपको खाना भी तो खिला पाऊंगी। दोनों मिलजुल कर ही खाना खाया करते थे। चंद दिनों बाद हरिया की बीवी ने दो हम शक्ल बच्चों को पैदा किया और उन्हीं लम्हात वो अपनी जान गंवा बैठी। मीरा के संयोग पर देही इलाके के लोग हरिया के घर तशरीफ लाए। हरिया, हमें बेहद अफसोस हुआ कि कमसनी में तुम्हारी बीबी अल्लाह को प्यारी हो गई। हरिया, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम्हें हमशक दुख्तरों की जिम्मेदारी के लिए दूसरा निकाह कर लेना चाहिए। नहीं सरदार जी, मेरे लिए मेरी ये दो बेटियां मेरा जहां हैं, मैं इन मासूमों के सहारे जिंदगी बसर कर लूंगा। वक्त गुजरता गया और हरिया की हमशक्ल बेटियां परवान चढ़ती रहीं। अब नैना और सुनैना दोनों 10 साल की हो गई थीं। बाबा जान, आपने जिक्र किया था कि आप हमें तैराकी सिखाएंगे। हाँ, दिले तस्कीन हमने कहा था। तो आप हमें कब तैराकी सिखाएंगे? मेरी प्यारी, काश्तकारी का बेइंतहा काम है, मैं तुम्हें इस इतवार को तैराकी सिखाऊंगा। इतवार पक्का ना? अब हाँ हाँ बच्चियों, वादा है। हरिया अपने वादे के मुताबिक नैना और सुनैना को लेकर नहर पर गया और वहाँ पहले हरिया नहर में उतरा। अब देखो, बड़े इत्मीनान से अपने हाथों और पैरों को ऐसे चलाते रहना है, तवज्जो दो। नैना और सुनैना ने हरिया को बड़े ही तवज्जो से तैराकी करते हुए देखा। चलो नैना, अब तुम कोशिश करो। नैना ने डरते हुए कोशिश की। फिलहाल डर खौफ से नैना तैर नहीं पा रही थी, फिर धीरे धीरे समझने लगी। इसी तरह फिर सुनैना ने भी कोशिश की और जल्द ही दोनों को तैरना आ गया। फिर क्या था, हर दिन नैना और सुनैना अपनी तैराकी का मशक करने आती। चंद दिनों बाद हरिया सरदार के पास गया। सरदार जी, मुझे नैना और सुनैना का पैदाइश का दाखिला चाहिए। वो तुम्हें मुहैया करा दिया जाएगा, लेकिन तुम पैदाइश दाखिले का करोगे क्या? मैं दोनों को देही इलाका के स्कूल में तालीम दिलाना चाहता हूँ। तुम अपने दुख्तरों को तालीम देना चाहते हो? हमारी देही इलाके की तो कोई लड़की तालीम हासिल करने नहीं जाती। तुम देहात की रिवायत को खराब कर रहे हो। कल से तो सभी लड़कियां बोलने लगेंगी कि हमें भी तालीम हासिल करनी है, तो घर और काश्तकारी का काम कौन करेगा? आप जो भी सोचें सरदार जी, मैं अपने दुख्तरों को तालीम दिलाना चाहता हूँ, आप उनका मुझे पैदाइश दाखिला दे दीजिए। सरदार ने कुछ किताबें निकाली और हरिया को नैना और सुनैना के पैदाइश के दाखिले दे दिए। अब नैना और सुनैना नहर पार करके तालीम हासिल करने स्कूल जाती थी। हरिया बहुत खुश था। एक दिन की बात है, नैना और सुनैना नहर पार कर रही थी, तभी उन्होंने देखा कि सरदार दूसरी कश्ती में तन्हा आ रहे हैं। अचानक कश्ती का तवाजन डगमगा गया और सरदार नहर में गिर गए। बचाओ मुझे, कोई मदद करो, कोई बचाओ मुझे, कोई मदद करो, कोई तो मुझे बचाओ। नैना और सुनैना ने चंद लम्हों में कुछ भी नहीं सोचा और उन दोनों ने नहर में छलांग लगा दी। वो गोताखोर बन सरदार के पास गईं। दोनों ने सरदार को सहारा दिया और नहर के साहिल पर ले आईं। साहिल किनारे चंद लोगों ने सरदार के सीने को दबाकर उनके जिस्म से आप बाहर निकाला और आखिर
सरदार की जान बच गई। उन्होंने नैना सुनैना को अपने करीब बुलाया और कहा, तुम लोगों ने मेरी जान बचाई। तुम दोनों वाकई में बहादुर हो। हरिया सही कहता था कि तुम दोनों के होते हुए उसे किसी बेटे की जरूरत नहीं। इस अफसाने से हमने ये दर्श लिया कि बेटियां बेटों से कमजर्फ नहीं होती हैं और वो हर उस काम को अमल कर सकती हैं जो बेटे कर सकते हैं।